हेलो एवरीवन, क्लास बुक करंट अफेयर सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे डेली के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य की ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की? इसका सही आंसर है सी, महाराष्ट्र। आने वाली तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन निर्माण की क्षमता 1300 मैट्रिक टन है। इस योजना के तहत 3000 मैट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत ऑक्सीजन निर्माण करने वाले उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन की एक बड़ी सूची जारी की गई है, जिसमें कंपनियों को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में कमी, टैरिफ दरों में कमी, स्टैंप ड्यूटी से माफ़ी और जीएसटी में माफ़ी जैसे अनेक सुविधाओं से जुड़ी एक लंबी सूची तैयार की गई है। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने औपचारिक रूप से किसे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है बी, मोहित यूसुफ। मोहित यूसुफ को 18 मई को पाकिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इससे पहले मोहित यूसुफ 2019 से प्रधानमंत्री इमरान खान के स्पेशल एडवाइजर थे। मोहित यूसुफ से पहले नासिर जंजुआ इस पद पर थे। नासिर जंजुआ और उनके पहले के सभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पाकिस्तानी फौज से ताल्लुक रखते थे। पहली बार इस पद पर किसी सिविलियन एक्सपर्ट को लाया गया है। पाकिस्तान के पीएम हैं इमरान खान, यहाँ की कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, 2021 का राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है सी, 21 मई। यह दिवस 21 मई 2021 को मनाया गया। वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला यह एक वैश्विक आयोजन है जिसका उद्देश्य हमारे ग्रह के लुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा करना है। लुप्त प्राय प्रजातियां ऐसे जीवों की प्रजातियां हैं जिनके लुप्त होने का जोखिम है, क्योंकि ये या तो संख्या में कम है या बदलते पर्यावरण या परभक्षण मानकों द्वारा संकट में है। कहा जाता है कि सन 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अधिनियम पारित कर लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाने पर बल दिया। इसके तहत हर साल मई महीने के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाने लगा। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है डी, झारखंड। यह रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा रिलीज की गई है। यह सूची विभिन्न राज्यों में प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बेस पर बनाई गई है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। इस सूची में पहला स्थान प्राप्त किया झारखंड ने और दूसरे स्थान पर रहा राजस्थान। झारखंड की कैपिटल है रांची, झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान के सीएम हैं श्री अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित करने की योजना है? इसका सही आंसर है बी, ओडिशा। आईएमडी द्वारा इसे उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित करने का फैसला लिया गया है। इस प्रोजेक्ट पर आईएमडी के साथ साथ इसरो और डीआरडीओ भी काम करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ओडिशा और पूर्वी राज्यों में बिजली के हमलों के कारण मानव की मृत्यु और संपत्तियों के नुकसान को कम करना है। ओडिशा में हर साल औसतन लगभग 350 लोग बिजली गिरने के कारण मारे जाते हैं। अब आईएमडी की फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिक डिपार्टमेंट, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। हमारा आज का छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? इसका सही आंसर है ए, पिनाराई विजयन। उनकी अगुवाई में एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लगातार दूसरी बार राज्य में
सत्ता में वापसी की है। राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एलडीएफ ने 140 सीटों में से 99 पर जीत हासिल की है। विपक्षी पार्टी यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 41 सीटें जीती है और भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन, केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। आज का सातवां प्रश्न है, आरबीआई ने केंद्रीय बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए सिटी यूनियन बैंक पर कितने का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर है ए 1 करोड़ रुपए। आरबीआई ने बैंकिंग अधिनियम के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले सिटी यूनियन बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सिटी यूनियन बैंक के साथ साथ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, नूतन नागरिक सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है। बैंकिंग अधिनियम की अनदेखी करने के चलते इन बैंकों पर वित्तीय जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। आज का आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोविड वस्तुओं के दान पर जीएसटी की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने वाला राज्य है? इसका सही आंसर है बी हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कोविड के टीके, रेमडेसिविर इंजेक्शन, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत 15 चीजों को दान देने के लिए खरीदने पर जीएसटी से छूट देने की घोषणा की है। यह छूट 30 जून तक लागू रहेगी। इस कदम का उद्देश्य कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करना है। हरियाणा के सीएम है श्री मनोहर लाल जी, हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। आज का नवा प्रश्न है, हीरो समूह द्वारा हाल ही में शुरू की गई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का नाम बताइए। इसका सही आंसर है बी हीरो वीरेड। हीरो वीरेड एक एंड टू एंड लर्निंग इकोसिस्टम पेश करेगी। इसने एडटेक वेंचर के माध्यम से हीरो ग्रुप का लक्ष्य एडटेक स्पेस में प्रवेश करना है। यह मंच शिक्षार्थियों को औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करने के लिए समग्र व्यवसायिक विकास की पेशकश करेगा। इन सब के लिए हीरो वीरेड ने MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सिंगुलरिटी यूनिवर्सिटी जैसे वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ भागीदारी की है। हीरो ग्रुप के CMD है पंकज राम मुजाल और हीरो समूह का मुख्यालय है नई दिल्ली। हमारा आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है बी राफेल नडाल। राफेल नडाल का पूरा नाम राफेल नडाल परेरा है और वो स्पेन के रहने वाले हैं। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविक को हराया। बात करें स्पेन की तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, यहाँ के प्रेसिडेंट है पेड्रो सांचेस और यहाँ की करेंसी है यूरो। वहीं इटली की कैपिटल है रोम और इटली के प्रेसिडेंट है सर्जियो मैट्रेल्ला और यहाँ की करेंसी है यूरो। ओके गाइस, हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जरूरतमंद तक पहुँच सके। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। लास्ट में आप सभी का धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।